सोलहवें ओवर की दूसरी गेंद पर रायडू आउट होते हैं और चेन्नई सुपर किंग का स्कोर 126 रन ही होता है, और ऐसा लगता है कि यहाँ से अभी स्कोर मात्र 140-145 तक ही रुक जाएगा और दिल्ली को 150 के अंदर का टारगेट मिलेगा। लेकिन धोनी ने बैटिंग करके एकदम माहौल बदल दिया, क्योंकि ये पिच बहुत स्लो थी, स्पेस स्पिनरों पे आप शॉट नहीं मार सकते थे, फास्ट बॉलर की आप पेस यूज करके आप बैटिंग कर सकते थे, तो आपको समझ में आ चुका था कि मैच स्पिनरों पे ज़्यादा हावी होगा, कि जो जिसके स्पिनर ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करेंगे वो मैच जीतेंगे। और गलती क्या हुई, चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयरों को स्टार्ट सबको मिला, गायकवाड़, कॉनवे, मोइन अली, शिवम दुबे, तो इन सबको स्टार्ट मिलता गया, लेकिन कोई भी अपने स्टार्ट को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाया। पर एक स्टार्ट मिलने की वजह से चेन्नई सुपर किंग का स्कोर भी बढ़ता गया, और शिवम दुबे की एक ऐसी पारी जिसने एकदम मोमेंटम चेन्नई सुपर किंग्स को दिया। अगर शिवम दुबे 5 ओवर और खेल जाते तो और अच्छा रहता, लेकिन शिवम दुबे के आउट होने के बाद कोई प्लेयर दबाव में रुकने के लिए नहीं खेल रहा था, सब रन बनाने के लिए खेल रहे थे, इसलिए रन बढ़ता गया। और फिर धोनी ने बैटिंग करके एक 167 का स्कोर देके अपनी टीम को लेके आए। जडेजा से थोड़ा इम्प्रेस नहीं था, क्योंकि जडेजा को बहुत अच्छा मौका मिल रहा था, आज वो अच्छी बैटिंग करके और बैटिंग अच्छी तेजी से रन बना सकते थे, लेकिन वो गलत शॉट मार के आउट हो गए। और ये रहा कि 167, अगर जडेजा और टाइम खेलते तो 170 भी स्कोर हो सकता था। और जब दिल्ली बैटिंग करने आई तो दिल्ली की आप देखिए कि बॉर्नर आउट हो जाना, बॉर्नर के आउट होने के बाद मिचेल मार्श का रन आउट हो जाना, तो ये सब चीज़ें होती गई, और फिर सॉल्ट का भी सॉल्ट भी आउट हो गए। तो इस प्रकार से दिल्ली के 25 रन पे 3 विकेट गिरने के लिए थे, फिर एक पार्टनरशिप के चक्कर में उन्होंने अपने मैच की ऐसी तैसी करवा ली कि देखिए 25 से 30 विकेट गिराया आपका, फिर आपने ना रन बनाए। शुरुआत में तब भी थोड़ा अटैकिंग खेल लेते, रूसो के शुरुआत में 12 गेंदों में 16 रन थे और मनीष पांडे रन 8 गेंदों पे 8 रन थे, तो उसमें भी अच्छा चल रहा था, फिर एकदम दोनों स्लो हो गए और जिसका रन रेट एकदम ऐसा हाई पे चला गया, फिर मनीष पांडे आउट हुए पति राणा की गेंद पर और उसके बाद रूसो आउट हो गए। रूसो मनीष पांडे के आउट होने के बाद एकदम स्कोर का जो मोमेंटम था दिल्ली के पास होना चाहिए था वो चेन्नई सुपर किंग्स के पास था, क्योंकि उन्होंने 30 रन बनाए नहीं दोनों प्लेयरों ने। और ये अक्षर पटेल को ऊपर क्यों नहीं भेज रहे, मेरे हिसाब से मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब ऋषभ पंत खेला करते थे कैप्टन थे तो आपको याद होगा कि अक्षर पटेल और ललित यादव दोनों ही मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, पर ललित यादव को लोअर मिडिल ऑर्डर में एक्सेप्ट करना, तो मुझे और रिपल पटेल को प्रमोट कर रहे हो, तो मैं समझ नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो, तो जिससे आपकी टीम को और दबाव आ रहा है, क्योंकि आप मेरे हिसाब से मनीष पांडे आउट होने का अक्षर पटेल को भेज देते और रूसो के आउट होने का ललित यादव को भेज देते, तो अभी भी आपका चांस रहता कि दोनों मैच आपका अच्छा तरह से लेके चल सकते थे, पर आप लोग अपने मेन प्लेयर को भरोसा नहीं कर रहे, और इसका दबाव इसका प्रभाव क्या हो रहा है, आप अपनी पॉइंट टेबल से एंड में आ चुके हो, तो ये दिक्कत हुई है। और मेरे हिसाब से दिल्ली आईपीएल से बाहर हो चुकी है, अब तो ये है कि अब 2 स्पॉट पक्के हो चुके हैं मेरे हिसाब से, चेन्नई और गुजरात ने अपना मोहर लगा लिए प्लेऑफ में, अब प्रॉब्लम ये है 3rd-4th स्थान के लिए वो हो रही है, इसमें मुंबई भी आ चुकी है रेस में, एलएसजी थोड़ी डाउन जा रही है, तो मेरे हिसाब से एलएसजी मुश्किल होगा, अगर अपनी वो कैप्टनसी ढंग से नहीं करेंगे तो एलएसजी अपना स्थान गंवा के फिर राजस्थान और आरसीबी में जैसे एक टीम जा सकती है टॉप 4 में, और लखनऊ को अगर पहुँचना है तो उन्हें बहुत सी पावर बिल्डने होंगी, क्योंकि उनके कैप्टन ही मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो ये सब है। तो अगर आपको भी थोड़ा सा पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर बजा दीजिए और वीडियो जितने लाइक करिए, और प्लीज़ मुझे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।